हे गाइस, स्वागत है तुम सभी का पोकेमोन की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरेज म्यूटू के बारे में। तो ये मिरेज म्यूटू है क्या? तो अगर तुमने म्यूटू के बारे में सुना होगा तो ये उसकी एक सस्ती सी डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन ये कॉपी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर मिरेज म्यूटू को बनाया किसने, आखिर ये इतना पावरफुल क्यों है, और भी कुछ इसके बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बहुत ही कम लाता हूँ। तो अगर तुम इस पे सपोर्ट करोगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएगी, और हमारे बहुत ही जल्दी ही 100K होने वाले हैं, इसलिए इस फैमिली में जल्दी से जुड़ जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी बहुत सारी पोकेमॉन्स की वीडियो आए। तो बस बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में समझाऊंगा। पहला पार्ट जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर इस पोकेमॉन को बनाया किसने, और सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि आखिर ये पोकेमॉन कितना पावरफुल हो सकता है या फिर कितना पावरफुल था, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ये पोकेमॉन की वीकनेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको इस वीडियो के एंड में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस मिरेज म्यूटू को बनाया किसने। तो इस मिरेज म्यूटू का क्रिएटर है प्रोफेसर यंग, या फिर कह सकते हो प्रोफेसर या फिर डॉक्टर यंग। ये बंदा दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा समझदार है, और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बुरा इंसान है। इसने मिरेज म्यूटू को इसलिए बनाया ताकि जियोवानी की तरह ये भी पूरी दुनिया पर राज कर सके। तो ये बंदा यानी कि प्रोफेसर यंग, या फिर इसे जो भी कह लो, डॉक्टर यंग या फिर प्रोफेसर यंग, इसने आखिर म्यूटू को बनाया कैसे? तो डॉक्टर यंग का सपना था कि वो दुनिया का ऐसा पोकेमॉन बनाए जिसकी कोई भी वीकनेस ना हो, जैसे कि फायर पोकेमॉन की कमजोरी होती है वाटर पोकेमॉन, और वाटर की ग्रास, और ग्रास की फायर। तो डॉक्टर यंग का यही सपना था कि वो दुनिया का एक ऐसा पोकेमॉन बनाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और कोई भी कमजोरी, और उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिसकी मदद से वो मिरेज पोकेमॉन को क्रिएट कर देते हैं। ये पोकेमॉन दिखने में भी बिल्कुल असली लगते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। डॉक्टर यंग के पास ज़्यादा डेटा नहीं था पोकेमॉन्स का, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर ओक को और एसके पिकाचू को किडनैप कर लिया, लेकिन प्रोफेसर ओक ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। इसलिए डॉक्टर यंग ने एसके पिकाचू को एक मशीन से कनेक्ट करने के बाद एसके पिकाचू की जितने भी मेमोरीज थी उसमें से डेटा निकालने लगा, जिसकी वजह से एसके पिकाचू ने अब तक जितने भी लेजेंडरी और जितने भी पोकेमॉन्स देखे थे उन सारे पोकेमॉन्स का डेटा डॉक्टर यंग को मिलने लगा। लेकिन इसकी वजह से एसके पिकाचू को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए प्रोफेसर ओक ने अपनी लैब में जितने भी पोकेमॉन्स का डेटा था उसका एक्सेस दे दिया डॉक्टर यंग को। उसकी मदद से डॉक्टर यंग ने प्रोफेसर एल्म और प्रोफेसर बज के लैबोरेटरी और साथ में प्रोफेसर ओक और जितने भी पोकेमॉन सेंटर थे सबके डेटा को एक्सेस कर लिया, और उसकी मदद से उसने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को क्रिएट किया जो था मिरेज म्यूटू, जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। तो ये बात होगी कि डॉक्टर यंग ने आखिर म्यूटू को कैसे बनाया। तो अब बात कर लेते हैं आखिर ये म्यूटू कितना पावरफुल है। तो प्रोफेसर ओक, प्रोफेसर बर्ज और एल्म, इन तीनों की लैब में बहुत सारे पोकेमॉन्स का डेटा था, और उन सारे पोकेमॉन्स का डेटा म्यूटू के अंदर था, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इतने सारे पोकेमॉन्स का डेटा होने की वजह से मिरेज म्यूटू हर पोकेमॉन के टाइप से इम्यून है, यानी कि मिरेज म्यूटू को किसी भी टाइप से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, और साथ में मिरेज म्यूटू हर तरह के अटैक्स भी कर सकता है, वो भी एक साथ। एक हाथ से वो एक फ्लेम थ्रो कर सकता है तो दूसरे हाथ से वो आइस बीम, और पोकेमॉन के यूनिवर्स में जितने भी अटैक्स होते हैं वो सारे अटैक्स म्यूटू कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो बात हो गई ये म्यूटू के पावर्स के बारे में, तो अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में। तो आखिर मिरेज म्यूटू की कौन कौन सी कमजोरियां है? तो इस पावरफुल मिरेज म्यूटू की सबसे पहले कमजोरी ये है कि ये पोकेमॉन जिंदा नहीं है। जैसे कि ओरिजिनल म्यूटू था वो जिंदा था, वो सोच पाता था, लेकिन ये पोकेमॉन कुछ भी सोच नहीं सकता, और ये बस एक खिलौने की तरह है जो रिमोट से चलता है। इसके अलावा भी अगर बाकी की कमजोरियों के बारे में बात की जाए तो ये पोकेमॉन वहीं तक जा सकता है जहाँ पे मिरेज पोकेमॉन की मशीनें लगी हो, और जहाँ पर मशीनें नहीं हो तो वहाँ पे ये पहुँच ही नहीं सकता, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन बस एक सीमित जगह तक ही जा सकता है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। और अगर कोई उन मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दे तो म्यूटू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐस ने भी मिरेज म्यूटू को हराने के लिए डॉक्टर यंग के जितने भी मशीनें थे उन सभी को ओवरलोड कर दिया था, और लास्ट में वोल्टेकल की मदद से म्यूटू के पूरे डेटा को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ये म्यूटू हमेशा के लिए खत्म हो गया।
तो सच में ये मिरेज म्यूटू पोकेमोन बहुत ही कमाल का और बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन था। और अगर ये ओरिजिनल म्यूटू की तरह जिंदा होता, बिना मशीनों की इधर उधर जा सकता था, तो मैं सच बोल रहा हूँ इससे पावरफुल पोकेमोन कोई नहीं हो सकता पोकेमोन की यूनिवर्स में, चाहे वो मेगा इवॉल्व हो या फिर डायनामैक्स। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो में मुझे कम से कम 1000 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। और अगर तुम्हें पोकेमॉन्स की गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।